नमस्कार, वीके न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आश्रुति वोहरा। संदेश खाली में हुई महिलाओं के साथ घटना के बाद पूरा देश सन है। देश भर में आक्रोश के साथ साथ ही चिंता का माहौल भी बना हुआ है। लेकिन इस घटना के बाद से जनता का सवाल अब सीधे तौर पर बंगाल की तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख ममता बनर्जी से है। वही ममता बनर्जी जो इस वक्त अपने राज्य में हो रही इन घटनाओं के बावजूद भी चुप्पी साधे हुए हैं। उन्हीं ममता बनर्जी से जो हमेशा की तरह हिंदुओं के अपमान को सहती आई हैं, उन्हीं ममता बनर्जी से जिन्होंने बंगाल सांसदी का पद ऐसे लोगों को दिया हुआ है जिन्होंने साल 2013 में हिंदुओं का जमकर विरोध किया था, जिनके कनेक्शन पाकिस्तान की ISI से हैं और आतंकियों संगठनों से लिंक तक बताए गए हैं। हम बात कर रहे हैं अहमद हसन इमरान की। अब उन्हीं ममता बनर्जी पर सवालों का फंदा उनके गले में लटक रहा है। लेकिन इसी बीच एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने पूरे देश को हिला करके रख दिया है। ममता की ही पार्टी की एक नेता ने ऐसी हदें पार की कि अब पूरा देश अचंभित है। संदेश खाली में हुई घटना पर ममता की इस नेता ने कहा कि महिलाओं का जो रेप हुआ है उसका क्या कोई वीडियो है? अगर उसका वीडियो है तो वीडियो दिखाओ। TMC की महिला विंग की जनरल सेक्रेटरी जूही विश्वास अपने इस बयान के बाद ऐसी सुर्खियों में आई हैं कि अब उन्हें जबरदस्त ट्रोल किया जा रहा है। जूही विश्वास ने यह बयान दूरदर्शन के चैनल में हुई एक डिबेट के दौरान दिया, जिसके बाद बवाल कट गया। TMC प्रवक्ता जूही विश्वास इस डिबेट के दौरान पश्चिम बंगाल के संदेश खाली की बात ना करके उत्तर प्रदेश के हाथरस का मुद्दा लेकर आ गई। उन्होंने सितंबर 2020 में हाथरस में हुई घटना का जिक्र करते हुए कहा कि वहां साबित हो गया था कि बलात्कार हुआ है। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल से एक वीडियो या एक फुटेज भी सामने नहीं आया जिसमें रेप हुआ हो। उनके इस बयान के बाद यह मुद्दा ऐसे बढ़ा कि विवादों का दौर शुरू हो गया, आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला शुरू हो गया। TMC महिला विंग की जनरल सेक्रेटरी जूही विश्वास ने सारा मुद्दा, ये सारी घटना जो संदेश खाली में हुई, इसका आरोप लगा दिया BJP पर। हालांकि देखा जाए तो यह काफी हैरान करने वाला है कि बलात्कार के आरोप को साबित करने के लिए सार्वजनिक रूप से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की पार्टी की ही महिला नेता रेप का वीडियो फुटेज सामने लाने की मांग कर रही हैं। लेकिन अब सवाल ममता दीदी से है कि आखिर ममता बनर्जी अपने राज्य में बैठकर अपने राज्य की कमान आखिर कैसे संभाल रही हैं? आखिर बंगाल में हो रही इस घटना पर अभी तक ममता बनर्जी ने क्यों कोई बयान, कोई सफाई क्यों नहीं दी है? या कहें कि जो भी सफाई दी गई है वो सभी बयान उनके ही नेताओं के पक्ष में जा रहे हैं। क्या ममता बनर्जी को इन महिलाओं की चीख नहीं सुनाई दे रही? क्या ममता दीदी को उन महिलाओं की गुहार नहीं दिख रही? या फिर उनका मकसद सिर्फ अपने ही नेताओं का बचाव करना और जनता से दूर दूर तक उनका कोई संबंध नहीं है, ये संदेश दुनिया तक पहुंचाना है? फिलहाल अब इस खबर पर और जिस तरह से ममता की ही एक नेता ने, TMC की ही प्रवक्ता ने ये बयान दिया है, इस पर अब आप क्या कहेंगे? हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। धन्यवाद। VK News, राष्ट्र के नाम।